हेलो स्टूडेंट, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड गुड, एंड आई होप आप सभी पढ़ भी रहे होंगे। सो गाइस, सीटेट का जो फाइनल नोटिफिकेशन है वो आ गया है, जिसमें उन्होंने डेट भी अनाउंस कर दिया आपके पेपर की, और डेट अनाउंस करने के साथ साथ उन्होंने फॉर्म भी साथ के साथ निकाल दिए हैं। पहले थोड़े टाइम पहले सीटेट का नोटिफिकेशन आया था, जहाँ पर उन्होंने सीटेट के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि माइट भी जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका दिसंबर में हेल्ड किया जाएगा, लेकिन अब जो नोटिफिकेशन है उसमें चेंजेस आए हैं। वो चेंजेस ये हैं कि आपका आप एग्ज़ाम दिसंबर में होने के बजाय आपका एग्ज़ाम होगा 21 जनवरी 2024 को, संडे को एग्ज़ाम हेल्ड किया जाएगा, और लगभग इंडिया की 135 सिटीज़ के अंदर ये हेल्ड किया जाएगा। ठीक है, ये तो थी आपके पेपर की जानकारी। उसके बाद आपका अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो आप अपना सिलेबस कृपया करके इसी वेबसाइट पर जाकर ही डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि ये आपको बकायदा सीटेट ने भी अच्छे से आपको मेंशन करके दिया है कि अगर किसी भी कोई आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए है सीटेट से रिलेटेड, तो कृपया करके आप इस वाली वेबसाइट पर जाकर सर्च कीजिए, आपको अपना सिलेबस सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका आपका एग्ज़ाम कब शुरू होगा, या फिर हम कह सकें फॉर्म आपके कब शुरू होंगे। तो फॉर्म की भी डेट उन्होंने दे रखी है कि द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम द 3/11/23, और जो आपकी लास्ट डेट है वो है 23/11/23 अप टू 11:59, मतलब लगभग 12 बजे तक आप 23 तारीख तक भर सकते हैं। आपको मैं ये नोटिफिकेशन हिंदी में भी दिखा देती हूँ, जिन लोगों को थोड़ी बहुत इंग्लिश माइट भी ना समझ में आई हो तो आप हिंदी पे देख लीजिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो हर साल इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है, जिसको आप सीटेट कहते हैं, ये आपका एग्ज़ाम 21/1/24 रविवार के दिन आपका कंडक्ट किया जाएगा। लगभग इंडिया के 135 जो सिटीज़ हैं उन सभी के अंदर ये आयोजित किया जाएगा, और लगभग 20 लैंग्वेजेस आपकी इसके अंदर होगी। सो गाइस, इन्होंने यहाँ पर भी ये ले रखा है कि आपका जो आवेदन की प्रक्रिया है वो आपकी 3/11/23 से शुरू होगी, और जो आपकी लास्ट डेट है जो आपकी फॉर्म भरने की वो है आपकी 23/11/23। कोशिश कीजिएगा गाइस, आप 20 तक अपना फॉर्म भर लें, बिकॉज क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, साइट जो होती है वो इतनी बिजी हो जाती है कि आप अगर ट्राई भी करते हैं तो कोई ना कोई आपको मतलब प्रॉब्लम आती है फॉर्म भरने में। तो कोशिश कीजिएगा 20 तारीख तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर दें। कोई भी अगर आपके फॉर्म में अगर गलती रहती है तो आप समय रहते ठीक कर पाएंगे। अगर बाद में आप फॉर्म मान लीजिए आप 22 को या 23 को आप फॉर्म भर रहे हैं, तो उस टाइम पर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी बहुत भी कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप वहां पर उसको फॉर्म भर नहीं पाएंगे फिर, और आपका पूरा 6 महीने का हो सकता है गैप डल जाए। तो इसीलिए पहले ही आप 20 तक कोशिश कीजिएगा, 2019-20 तक आप अपना फॉर्म भर लें, क्योंकि आप देरी क्यों करें जब आपको फॉर्म फिल ही करना है। सो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर एग्ज़ाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।